दोस्तों सीएचएस का फॉर्म आ गया है 6 क्लास और 11 क्लास के लिए, ठीक है, और 9 क्लास के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें किसमें लॉटरी है, किसमें एग्जाम होगा, समझिएगा इसको ध्यान से। देखिए ये जो फॉर्म आया हुआ है आपका सीएचएस का, बीएचयू सीएचएस एडमिशन 2023 क्लास 6, 9 और 11 के लिए एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म शुरू हो गया है, ठीक है। 25 तारीख से भरना शुरू हो गया है, ठीक है, 25 फरवरी से, क्लियर है, ठीक। इस फॉर्म में 30 मार्च 2023 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इनकेस मिस्टेक द फॉर्म कैंडिडेट कैन मेक द करेक्शन फ्रॉम 31 मार्च टू 4 अप्रैल, यानी कि कुछ मिस्टेक हो गया अगर आपको भरते समय तो 31 मार्च से 4 मार्च तक करेक्शन करने का डेट देगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें जो है आपका फॉर्म क्या क्या सिस्टम है इसमें समझिए। सी एच एस एडमिशन में LKG नर्सरी क्लास 1 और क्लास 6 विल बी बेसिक ई लॉटरी। देखिए अब इसका ई लॉटरी निकलेगा, किसका किसका, LKG नर्सरी क्लास 1 और क्लास 6 के लिए ई लॉटरी निकलेगा। मतलब क्या कि लॉटरी निकलेगा, समझ रहे हैं ना, लॉटरी निकलेगा, गजब हाल, ठीक है। द BHU CHS एडमिट कार्ड विल बी क्लासेस 9th और 11th, यानी कि 9th और 11th का एडमिट कार्ड निकलेगा, जो कि एग्जाम टेंटेटिव डेट है, क्या है, 15 अप्रैल 2023 को ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है, क्लियर है। 9th 11th एग्जाम शेड्यूल बी कंडक्ट इन 26 से 23 अप्रैल के बीच में। देखिए 26 और 30 अप्रैल के बीच में क्या होगा, एडमिट कार्ड रिलीज होगा 15 अप्रैल को, ठीक है, और एग्जाम होगा 26 और 30 के बीच में, ध्यान समझिएगा, 15 अप्रैल को एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एडमिट कार्ड, ठीक है, और 26 से 30 के बीच में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 26 से 30 तक फॉर्म, ठीक है, 8 AM टू 10 AM तक, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, कितने घंटे का, 2 घंटे का, क्लियर है। अब देखिए, अब आगे जब देखेंगे आप, तो आफ्टर द एग्जाम BHU CHS रिजल्ट 2023 विल बी अनाउंस 5 जून। अब देखिए रिजल्ट भी आ जाएगा, कब रिजल्ट आ जाएगा, 5 जून 2023 को इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर है। द आंसर की विल बी रिलीज 10 मई। अब जब रिजल्ट 10 मई को आंसर किया जाएगा, यानी कि आप अप्रैल में एग्जाम देंगे, 10 दिन बाद आंसर किया जाएगा, आंसर मिला लीजिए, उसके बाद से 5 जून को क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। कैंडिडेट कैन बी राइज ऑब्जेक्शन, मान लीजिए कोई कोई आंसर पे ऑब्जेक्शन है आपका, सही हो उसमें गलत आया हो तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वो आपको ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, 11 और 12 मई तक, ठीक है। द फाइनल आंसर की विल बी 15 मई, जो फाइनल आंसर की आएगा, जो एकदम करेक्ट आंसर की आएगा, वो आएगा आपका 25 मई को आएगा, ठीक है, 10 मई को आंसर किया आएगा और 25 मई को फाइनल आंसर किया आएगा, जो करेक्शन करना होगा कर देगा, क्लियर है, यही सब लिखा हुआ है। द सिलेक्शन प्रोसेस एडमिशन क्लास 9th और 11th सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS विल बी बेस्ड ऑन द रिटेन एग्जाम, यानी कि जो 9th और 11th का एडमिशन होगा वो किस पे होगा, रिटेन एग्जाम पे होगा, किस पे होगा, रिटेन एग्जाम पे होगा, ठीक है। हु इज द पास्ट द प्रिपेयरिंग क्लास 5, 8, 10th, यानी कि 5 क्लास पास किए होंगे वो 6 क्लास का भरेंगे, और जो 8 क्लास पास होंगे वो 9th क्लास का भरेंगे, और जो 10th क्लास पास होंगे 11th क्लास का भरेंगे, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या बोला है, BHU CHS ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, हिंदी में लिखा हुआ है, वही चीज हिंदी में है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या है, कितने पैसे लग रहे हैं इसको आप समझिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन फीस सामान्य के लिए, सामान्य मतलब जनरल, सामान्य सामान्य में जनरल लोग आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मिश्रा हो गए, राजपूत हो गए, सिंह हो गए, जो जनरल में आएगा, जनरल टाइटल में, वो सामान्य में आ जाएगा, क्लियर है। उसका फीस है 750 रुपये, कितना है, 750 रुपया है, ठीक है। और जो अन्य श्रेणी है OBC SC ST उनके लिए कितना है, 500 रुपया फीस है, कितना है, 500 रुपया। सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS 9वीं और 10वीं क्लास के लिए लिखित परीक्षा होगी, किस क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। LKG नर्सरी का लॉटरी सिस्टम निकलेगा, अभी बताए हैं, क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए क्या है, इसका एग्जाम होगा आपका, एडमिट कार्ड रिलीज होगा 15 अप्रैल को, और एग्जाम होगा 26 से 30 के बीच में, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा, परीक्षा के बाद BHU के परिणाम घोषित कर दिया जाएगा 25 मई को। देखिए ध्यान से इसको फॉर्म को डालिए, ठीक है, और एग्जाम दीजिए, क्लियर है, 26 और 30 के बीच एग्जाम होगा। धन्यवाद।